क्या आप जानते हो कैसे बड़े बड़े ब्रांड्स आपको मैनिपुलेट करते हैं उनके खुद के प्रोडक्ट्स को यूज करने के लिए? आप थोड़ा शॉक होंगे दैट मैनिपुलेशन। आप रोज किसी ना किसी प्रोडक्ट्स को यूज करने के लिए मैनिपुलेट होते हो और आपको ये चीज पता भी नहीं चलता है। सीरियसली, ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल करने के लिए एडवर्टीजमेंट करती है और उस एडवर्टीजमेंट से आप मैनिपुलेट होते हो और उस प्रोडक्ट को परचेस करते हो। ब्रांड्स के दिखाए गए एडवर्टीजमेंट को हम सच मान लेते हैं और उस प्रोडक्ट्स को यूज करने के लिए हम रेडी हो जाते हैं। इसी तरीके से सारे ब्रांड्स अपने सेल्स के टारगेट को अचीव करते हैं एडवर्टीजमेंट के थ्रू और हम मैनिपुलेट होकर उस चीज को यूज करते हैं। क्या आप अभी भी टूथपेस्ट को कोलगेट, नूडल्स को मैगी और डायपर को पैंपर्स या हगीज कहते हो? अगर मैं आपसे कहूं ऑनलाइन फूड ऑर्डर करने के लिए तो आप किस चीज को यूज करोगे, जोमैटो या स्विगी? और अगर मैं आपसे कहूं किसी एक प्रोडक्ट को ऑर्डर करने के लिए तो आप कौन से एप्लीकेशन का यूज करोगे, फ्लिपकार्ट या अमेजोन? लेकिन क्या आपको पता है इंडिया में ऑनलाइन प्रोडक्ट ऑर्डर करने के लिए 19,000 से भी ज्यादा एप्लीकेशन और वेबसाइट अवेलेबल है, जिनमें से जियो मार्ट, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, अमेजोन, शॉपक्लूज, ये सारी चीजें इंक्लूड है। इसी तरह फूड आइटम ऑर्डर करने के लिए जोमैटो और स्विगी के अलावा फूड पांडा, उर्बन ईट्स जैसे फेमस एप्लीकेशन भी मौजूद है। सो द मेन क्वेश्चन इज दिस, आखिर क्यों हम सिर्फ सेलेक्टिव चीजों को ही यूज करते हैं? तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एड मैनिपुलेशंस के बारे में। तो चलिए आज हम जानते हैं आखिर एड्स कैसे मैनिपुलेट करते हैं हमें कंपनीज के प्रोडक्ट्स को यूज करने के लिए, आइदर वो हमारे लिए यूजफुल है या नहीं है, फिर भी हम उस प्रोडक्ट्स को कैसे खरीदते हैं एडवर्टाइजमेंट देख के। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें कुछ ब्रांड्स लगातार एडवर्टीजमेंट करते दिखते हैं कुछ नए नए तरीके से, नए नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, ताकि वो अपने सेल्स के टारगेट को अचीव कर पाए। अगर आप दिन के 4 घंटे सोशल मीडिया या यूट्यूब पर स्पेंड करते हो तो ना जाने आप एक वीडियो को कितनी बार देखते हो, एंड वो आपके दिमाग में कुछ इस तरीके से जगह बना लेती है जब तक आप उस प्रोडक्ट को यूज नहीं कर लेते या परचेज नहीं कर लेते, तब तक आप उसी के बारे में सोचते रहते हो। अक्सर आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जाने अनजाने में आपके जुबा पे कोई वर्ड आ जाता है तो आप दिन भर सुनते हो, कोई म्यूजिक हो या कोई टोन। तो ऐसा क्यों? वजह बहुत छोटी सी है, जरूरत है हम उसे समझने की। अगर कोई भी चीज लगातार दिखाई जाए तो आपको उसे भूलने में वक्त लगता है और जब तक आप उसे भूलने की कोशिश करते हो आप उस चीज को इतनी बार यूज कर लेते हो कि आप उस चीज के एडिक्टेड हो जाते हो, मतलब आपको उस प्रोडक्ट की आदत हो चुकी होती है। अगर मैं कुछ समय पहले की बात करूं तो आपको याद होगा जब हम लोग पहले क्रिकेट मैच या कोई भी लाइव टूर्नामेंट देखते थे, वो एडवर्टीजमेंट को कंटिन्यूअसली दिखाया जाता था ऑन अ बज ऑफ 3 or 4 times। हम लोग उस वक्त थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं, पर आप एग्री जरूर करोगे कि दैट हम उस प्रोडक्ट्स के बारे बात जरूर करते हैं, मे बी हम उसका मजाक बनाएं या अच्छी बातें करें। एंड नो डाउट अगर आपको उस प्रोडक्ट की जरूरत पड़ी तो आप उसी ब्रांड को प्रेफरेंस देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मार्केट में दूसरे पेस्टिंग प्रोडक्ट्स मौजूद नहीं है, पर हमारे जुबान पर फेविकॉल या फेवी स्टिक ही आता है क्योंकि ये अपने ब्रांड्स को इंडोर्स करने के लिए कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट लाते हैं जिससे हम अट्रैक्ट होते हैं और मैनिपुलेट होकर उसी ब्रांड को यूज करते हैं। अगर मैं यहाँ पे पेडिलाइट्स प्रोडक्ट्स की बात करूं तो लगभग सभी एडवर्टीजमेंट आपको याद होंगे क्योंकि वो कुछ ऐसा एडवर्टीजमेंट बनाते हैं कि दैट हम उस पर्टिकुलर ब्रांड को फॉलो करने लगते हैं। अगर मैं हेल्थ ड्रिंक्स की बात करूं तो आप सबको कॉम्प्लेन एंड हॉर्लिक्स याद ही होगा। मार्केट में और भी बहुत सारे अदर ब्रांड्स है जैसे माइलो, बूस्ट, बॉर्नविटा एंड मेनी मोर थिंग्स, बट अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो आपको याद होगा कि अक्सर हमारे जुबा पे कुछ वक्त पहले तक हॉर्लिक्स या फिर कॉम्प्लेन का ही जिक्र होता था, या फिर मैं कहूं आखिर इनका ही चॉइस क्यों होता था, क्योंकि कॉम्प्लेन हमें बनाता है टॉलर, मम्मी को बोलो कॉम्प्लेन पिलाए, ये बात आप सभी को याद ही होगा। पर क्योंकि कॉम्प्लेन हमें बनाता है टॉलर, मतलब हमें मैनिपुलेट किया जाता है, अगर आपको बढ़ानी है अपनी बच्चों की हाइट तो पिलाओ उन्हें कॉम्प्लेन। सेम गोज विद हॉर्लिक्स। हॉर्लिक्स हमें बनाता है शार्पर एंड स्ट्रॉन्गर। शार्पर बने या ना बने ये तो पता नहीं, पर हमने एड से मैनिपुलेट होकर हॉर्लिक्स को काफी ज्यादा प्रॉफिट कराया है। अगर मैं कुछ ब्रांड्स के नाम ना लूं तो आप इस वक्त ठंडे में बॉडी वार्मर से रिलेट कर पाएंगे किस तरीके से अच्छे कॉन्सेप्ट को फॉलो करके हमें मैनिपुलेट किया जाता है और हम मैनिपुलेट होकर उस ब्रांड को एटलीस्ट एक ट्राई जरूर देते हैं। आपको ये जानकर कैसा लगेगा कि जितने भी ब्रांड्स हैं, अगर हम उन सब ब्रांड्स को एक एक ट्राई देने लगे तो वर्ल्ड के पॉपुलेशन के हिसाब से वो कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न करती होगी। टू थैंक्स टू ऑल दोज व्यूअर्स जो यूजलेस प्रोडक्ट को एटलीस्ट एक बार यूज करके उस कंपनी को इतना ज्यादा प्रॉफिट देते हैं एंड उस कंपनी का अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न करवाते हैं। पर बीइंग अ कंज्यूमर, क्या आपको ये नहीं लगता किसी चीज को भी यूज करने से पहले हमें उसे एटलीस्ट एक बार ट्राई कर लेना चाहिए? Because we are spending our hard and money into it. अगर हम कुछ प्रोडक्ट्स को डिफाइन करें तो कुछ प्रोडक्ट्स है ऐसे मार्केट में जिन्हें एड्स की जरूरत होती है, because without manipulation they can't sell their product. अगर हम प्रोडक्ट्स को डिफाइन करें तो हमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स मिलेंगे कि जिनका एडवर्टीजमेंट करना जरूरी नहीं है, because without manipulation they can also make their places in market. जैसे कि ठंडे में गीजर,
गर्मी में उषा फैन जो सबसे तेज, आपको नहीं लगता कि ये जो वर्ड है सबसे तेज व्यूवर्स को मैनिपुलेट करने के लिए ही काफी है? लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें एडवर्टीजमेंट की कोई जरूरत नहीं होती है, वो खुद में ही सक्षम होते हैं मार्केट में अपनी मोनोपोली बनाने को, जैसे कि मैगी। अगर हम मैगी की बात करें तो एक वक्त ऐसा आया था कि कुछ साल पहले जब ब्रांड को बैन कर दिया गया था, बट जैसे ही मैगी को वापस ग्रीन सिग्नल मिली, उसे किसी तरह के एडवर्टीजमेंट की जरूरत नहीं पड़ी, ब्रांड ने खुद ही कमबैक कर लिया। अगर मैं वहीं कुछ और ब्रांड्स की बात करूं, जैसे कि यप्पी, जो मैगी को बुरा भला कहकर भी मार्केट में अपनी जगह नहीं बना पाया। हम सब ने ये भी सुना था कि अगर हम कुरकुरे को जलाते हैं तो उससे प्लास्टिक निकलती है, पर सीरियसली क्या ऐसा होता है? चलिए आप इसे ट्राई करना और हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। पर क्या आप जानते हो कुरकुरे को अपनी एड्स को मैनिपुलेटिंग बनाने की जरूरत पड़ी ही नहीं, क्योंकि उसे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। आपने ये अफवाह भी सुना होगा कि कैडबरी में जानवरों का हड्डियों का मिश्रण होता है उसे क्रंची बनाने के लिए। क्या ये सच है? अब मत कहना कि आप भी इस झूठ को सच मानते हो, क्योंकि अक्सर आपने रैपर पे वेज फूड का वो ग्रीन लोगो भी देखा होगा। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के रिसर्च से ये पता चला कि एक दिन में एक आदमी का दिमाग ऑन एन एवरेज 35,000 से भी ज्यादा डिसीजन लेता है। क्या खाना है, क्या पीना है, क्या पहनना है, कहाँ जाना है, जिसकी वजह से हमारे दिमाग को बहुत मेहनत करना पड़ता है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने प्लान किया कि आपको सुबह जल्दी उठना है, जिम जाना है या फिर जॉगिंग करना है, क्या आप उस प्लान को एग्जीक्यूट कर पाते हो? क्योंकि हमारा बॉडी हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, उसी तरह हमारा दिमाग भी इतनी सारे डिसीजन लेने से बचना चाहता है। इसलिए जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो चीजों को ऑटो पायलट मोड में ढालकर छोड़ देता है, जिससे आए दिनों हम रोज के काम उसी तरीके से करते हैं जिस तरीके से हमें आदत होती है। आप जब अपने घर से बाहर निकलते हो, सड़कों पे आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि काफी बड़े बड़े बैनर्स और पोस्टर्स के थ्रू एडवर्टीजमेंट्स किए जाते हैं ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स के। उसी तरह यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया ऐप पर और हर वेबसाइट पर हजारों की तादाद पे एप्स और प्रोडक्ट्स के एड्स को दिखाए जाते हैं। लेकिन नाउ द क्वेश्चन इज दिस, आखिर क्यों बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज एडवर्टीजमेंट पे लाखों करोड़ों रुपए खर्चे करते हैं? क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हर चीज में पैटर्न ढूंढता है, और जब नेक्स्ट टाइम आपको जब जरूरत पड़ता है तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड खुद ही डिसीजन ले लेता है। जैसे कि हम बहुत सारे एडवर्टीजमेंट को देखकर मैनिपुलेट होते हैं, फॉर एग्जांपल सेक्सुअलिटी, गर्ल्स इन कार एंड सोप एड, ह्यूमर, फनी वीडियो एड, इनसिक्योरिटी, हाइट ग्रोथ और वेट गेन और लूज, सोशल प्रूफ, डॉक्टर का सुझाव, नंबर वन ब्रांड, पीसीडीओ साइंस, एक वीक में गोरा होना, मिसलीडिंग विजुअल्स। इन 6 टेक्निक को यूज करना, प्रॉब्लम को इतना बढ़ा चढ़ाकर बताना है कि आप सोचने पे मजबूर हो जाओ और सॉल्यूशन ढूंढो। वी थिंक दैट अप्रूव्ड बाय स्पेशलिस्ट और टीवी में झूठ नहीं बोल सकते। हम ये सोचते हैं कि अगर कोई पर्सन टीवी पे खड़ा होता है और किसी चीज के बारे बताता है तो वो झूठ नहीं बोलता। हमें मिसलीड किया जाता है एड्स के थ्रू, एक हफ्ता में गोरा होना या फिर एक हफ्ते में पतला होना। लाइकिंग अ सेलिब्रिटी और क्यूट बेबी एड्स, ऑफर फॉर लिमिटेड पीरियड और लिमिटेड स्टॉक। कई बार ऐसा भी होता है हम लेना कुछ चाहते हैं और लेकर कुछ आते हैं, दैट डजंट मैटर हम घर पे हो या शॉपिंग मॉल पे या फिर ऑनलाइन कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म वेबसाइट को एक्सप्लोर कर रहे हैं। चीजें तो हम बहुत सारी देखते हैं, लेकिन हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड वो एडवर्टीजमेंट वाले चीजों पे ज्यादा फोकस करता है, क्योंकि वो पर्टिकुलरली किसी के एग्जांपल्स के थ्रू हमें दिखाया था। और हम सब ने अपने चाइल्डहुड में ये भी नोटिस किया था कि हमें कोई चीज चाहिए होता तो हम अपने पेरेंट्स के सामने जिद करने लगते थे, और हम जब ज्यादा जिद करते तो पेरेंट्स ऑफ कोर्स उस चीज को पूरा करते थे। तो आज सेम वही पैटर्न्स ये कंपनी फॉलो करती है, वो हमें इतना एड्स दिखा देती है किसी भी प्रोडक्ट्स से रिलेटेड, चाहे वो आइदर फेस प्रोडक्ट्स हो या फिर कोई भी चीज हो, तो हम उस एड्स के थ्रू मैनिपुलेट हो जाते हैं और ना चाहकर भी उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं और एटलीस्ट एक ट्राई जरूर लेते हैं। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि हमें कहीं भी अपना हार्ड एंड मनी स्पेंड करने से पहले एक बार जरूर सोचना चाहिए, या फिर कोई भी ब्रांड, चाहे वो कपड़ा हो या जूता हो या चप्पल हो, कुछ भी लेने से पहले हमें उसे एटलीस्ट एक बार ट्राई कर लेना चाहिए, ताकि वो हमारे लिए यूजफुल होगा या फिर हमारा पैसा कहीं वेस्ट तो नहीं जाएगा। सो अपने दिमाग में ये चीज जरूर रखना, नेक्स्ट टाइम आप जब भी शॉपिंग करो तो चीज को पहले सही से एक्सप्लोर करो, उस चीज का यूजफुल देखो, बेनिफिट्स देखो, उसके बाद ही उस चीज को खरीदो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी इन कंपनी के एड्स के थ्रू मैनिपुलेट होने से बच सके। टिल देन वी विल मीट अगेन विद अनदर वीडियो। लव यू ऑल।